अस्सलामुअलैकुम तो नान रेसिपी ये देखो किस तरह मज़े का नान लग रहा है, खूबसूरत है ना, डिलीशियस, क्या लुक आई है। ये यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। आगे वीडियो पूरी देखें, सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन पर पुश करें ताकि मेरी वीडियो अब तक पहुंचती रहे। सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो पहुंचे अब तक। हाँ, ये जो मैं नान का बता रहा हूँ, बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं। जब वो जाते हैं दोपहर को, भूख लगती है लंच टाइम पे, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को जब भूख लगती है तो वो फिर क्या करते हैं, नान, आलू की टिक्की वगैरह शामी हुई और फ्राइड नान जो है ये बड़े शौक से खाया जाता है। नान के ऊपर जो है पोटैटो के जो वो स्लाइस लगाते हैं, वो स्लाइस उन्होंने बहुत कम लगाया होता है। एक तो उन्होंने पोटैटो का छिलका भी नहीं उतारा होता, उसी तरीके से वो लगा देते हैं, हालांकि ये गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। सब्सक्राइब पे क्लिक करें और घंटी वाले बटन को दबा दें। तो ये देखें, ये मैंने एक नान ले लिया है और ये इन्ग्रीडियंट्स है, दो पोटैटो और साथ में नमक, सूरज मिर्च हिंदी है। तो इस रेसिपी से हमने बनाना है और आप इजी घर पे बना सकते हैं नान लेकर, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैंने ये कॉर्न फ्लोर जो है मैंने हाफ वो ले लिया है और इसमें ये नमक, हल्दी, सुरख मिर्च और गरम मसाले का पाउडर ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमने दो जो आलू लिए हैं इसका मैं छिलका उतारूँगा क्योंकि इसको डस्ट लगी होती है, मैं उसको जितना भी वाच कर लें उससे फिर जो है बाज़ लोगों को जो है ना जो पथरी की शिकायत, उनको ये नुकसान पहुँचाती है, तो छिलका ज़रूर इसका उतारना चाहिए। वैसे ये जो अपना नान है, आप कीमे वाला खाएं, चिकन कीमा, मटन कीमा, बीफ कीमा। अब मैं इसके आलू के स्लाइस बना लेता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी जो है मटन कीमा का नान जो है फ्राइड पर लगाया है, बहुत मज़े का, लोगों ने इसको पसंद किया है। तो उसके बाद फिर मैंने आलू का, मैंने कहा ये बनाते हैं जो है पोटैटो का, तो ये बड़े शौक़ से लोग खाते हैं इसको, इसकी रेसिपी जो है ज़्यादा पसंद की जाती है। मैंने कहा इसको बनाएं, तो फिर कल मैं बीफ का बनाऊंगा। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि जी बीफ के ऊपर आपने स्टेक बनाई है तो आप निहारी भी बनाएं। तो उन लोगों के चैनल्स नहीं हैं तो सिर्फ नेम से आ रहा है, उनकी रिक्वेस्ट है। मैंने कहा जी ज़रूर। ये देखिए हमने आलू, अब मैंने इसमें बटर डाल दिया है। आलू लगाने से नान कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखें प्यार। अब मैंने ऑयल के अंदर इसको डाल दिया है जो बटर हमारा मेल्ट हुआ है। अब हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, ताकि अगर तेज़ होगा तो ये जल जाएगा। हाँ, ऑयल इसके लिए थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैंने ऑयल नॉर्मल रखा हुआ है। तो इस बटर में मैं बना रहा हूँ, बटर आपके लिए हेल्थी भी है, सही भी है, तो मैं सजेस्ट तो बटर करूँगा आपको। वैसे जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे बना सकते हैं। तो नान जो है ये काफ़ी वैरायटीज़ में डिशेस हैं मेरे पास, इनकी रेसिपीज़ जो हैं, तो मैं ये आप लोगों के पास इंशाल्लाह ताला नई नई डिशेज़ लेकर आऊँगा नई क्वालिटी के साथ। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम से मैं बताऊंगा कि किन किन लोगों ने किया। और 80% व्यूज सब्सक्राइब से आ रहे हैं। ये देखिए मैं बगैर किसी स्पून के, ये थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ और कितनी हाइट से आके सीधा हो जाता है, ये क्या खूबसूरत नान बना है। वाओ, माउथ वाटरिंग, लुक सो डिलीशियस, क्या खूबसूरत स्लाइस लग रही है, बड़ा बड़ा पड़ा पोटैटो से। अब इस नान को खाने का मज़ा आ रहा है, अगर मैं इसको चीज़ कर देता तो फिर ये और भी मज़ा आ जाना था। तो फिर अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने चीज़ वाला बनाऊंगा और साथ ऊपर जो है उसमें चिकन वाला ही बनाएंगे। तो इस तरह मेरे पास बहुत सारी इसकी रेसिपीज़ हैं, तो आप लोग इसे इंजॉय करें। अब मैं मिंट से लगा रहा हूँ इसको, आप मिंट के सास के साथ खा सकते हैं, उसके साथ बहुत मज़ा आता है। जो धनिया की चटनी बनाते हैं उसको खा सकते हैं आप। ये देखें, अब मैंने इसके ऊपर धनिया और जो है पुदीना लगाया है, तो अब देखने में कितना खूबसूरत मज़े का लग रहा है। और इसको मैं खाऊंगा टमाटो केचप के साथ। ये
वाह सो डिलीशियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।